एमसीए बीसीए बच्चे एमकॉम बीकॉम बच्चों से टॉयलेट्स की गिनती करवाई जा रही है, उनसे गोबर उठवाया जा रहा है, उनसे खंभों की एज पर क्वालिफिकेशन क्यों नहीं ये लोग जॉब्स देते? एक भी एचसीएस का बैच जो है इस सरकार के दौरान नहीं आया, एक भी जुडिशियल। मैं पूछना चाहती हूँ आज दलितों की क्या स्थिति है, क्यों इनकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है राज्य में भी है, तुगलकाबाद में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर, ठीक है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हुआ, सुप्रीम कोर्ट में तो भगवान राम मंदिर का भी मुद्दा है, तो उन्होंने वो केस जो है वो ठीक ढंग से उच्च न्यायालय में सरकार ने क्यों नहीं उठाया, क्यों संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर को ढहा दिया गया जो कि 500 साल से ज़्यादा पुराना था, और उसके अलावा जो जिन हमारे रविदास प्रेमियों ने या जिन विधायकों ने या जिन नेताओं ने वहाँ पर प्रदर्शन किया, सरकार ने उनके ऊपर लाठियां भाजने का काम किया। इन लोगों को, इनका ये दलित प्रेम है, इनको केवल और केवल वोट की राजनीति करनी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी जाकर, इनकी कहाँ भीड़ हो रही है, कर्मचारियों की भीड़ है, और ये तो सेलिब्रेशन मोड में निकले हुए हैं क्योंकि इनको घमंड हो गया है कि 10 की 10 सीटें आ गई। आपने कल पढ़ा होगा जो हमारे बधारी के विक्रम सहरावत जिनकी ये कहा गया था कि पाकिस्तानी मिसाइल से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, कल आपने उसकी रिपोर्ट पढ़ी होगी। एयरफोर्स के बहुत से सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि वो अपने अपने ही भारत सरकार के अफसरों की गलतियों की वजह से जो है वो क्रैश हुआ था। तो इस तरह की जांच का विषय है, बहुत सारे इश्यूज हैं, चाहे मैं कहूंगी कि पुलवामा अटैक भी एक जांच का विषय है, लेकिन हम लोगों को शहीदों के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोग जो है वो शहीदों के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आज चुनाव का समय है और चुनाव जो है केवल और केवल मुद्दों पर होगा और हम लोग मजबूती से देखिए, मुख्यमंत्री जी को तो केवल और केवल अपनी जन यात्रा की पड़ी है, बीच में कितने सारे उनके सीनियर लीडर्स हैं जो हम सब के बीच नहीं रहे, वो संसारी की यात्रा पूरी करके चले गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कल के अपने कार्यक्रम कैंसिल नहीं किए, इनके मंत्रियों ने नहीं किए, वही मिठाई खाते रहे, वही फूल बरसाते रहे। तो जब इनके वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के इस तरह से बड़ा बड़ा हादसा जब होता है तो मुख्यमंत्री जी को केवल और केवल वोट के नाम की राजनीति की बात करना शोभा नहीं देता। उन्होंने, ठीक है मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, उनको हर यात्रा करने का अधिकार है, उनको करनी चाहिए, लेकिन ठीक है लोकसभा में 10 की 10 सीटें वो लोग जीते हैं, उनके अगेंस्ट जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट पड़ा है, और उसमें उनको सोचना चाहिए और चुनावी मुद्दों की बात करनी चाहिए। मुद्दों पे तो ये लोग जाते ही नहीं है, मुद्दा तो जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं है। 370 जो इनका मैनिफेस्टो में था हमने उसका समर्थन कर दिया, उसके बाद युवाओं का बेरोजगार का मुद्दा, ऑटोमोबाइल एजेंसीज बंद हो गई, इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी, उनकी स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी किस प्रकार से उन्होंने अर्थव्यवस्था पर एक चिंता जाहिर की है कि किस प्रकार से हम लोगों के रिसेशन हो रहा है, किस प्रकार से इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, किस प्रकार से युवाओं का जो है रोजगार बंद हो रहा है, उनको रोजगार मिल नहीं रहा है। तो ये तो स्वयं की इनकी फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, पर इनको कुछ वो नजर नहीं आता है, इनका तो केवल एकमात्र एजेंडा है बस। सारे के सारे झज्जर में देख रही थी, सारा हरियाणा, गली सड़क नाली और दीवारें सारी की सारी इन्होंने कर दी। क्या 75 पार? आप 75 पार की बात करते हैं, आप बताएं कि आप जिन मुद्दों को लेकर सरकार आपने बनाई थी, क्या आज आपका किसान खुश है, क्या आज आपका व्यापारी खुश है, क्या आज आपका युवा खुश है, क्या आज हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां जो हैं क्या वो खुश हैं, क्या युवाओं को रोजगार देने का बात आपने की थी क्या वो खुश हैं? तो आपने भर्ती कर दिया है जो एमटेक बीटेक डॉक्टर इंजीनियर थे उनके हाथ में आपने खुरपी और कड़ची पकड़ाने का काम किया।